महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दे। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। सदन में हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित की गई। विपक्ष ने उठाया विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा। विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और इस दौरान सदन में काफी हंगामा भी देखने को मिला। दरअसल कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान विशेष राज्य के मुद्दे को भी सदन में उठाया गया और विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाए। बातचीत करके हम लोगों ने पूरा का पूरा सर्वे करवाया और पूरे जाति जनगणना का जनगणना कराया और एक एक चीज के बारे में जानकारी मिली, सुनिए, और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया। जो भी तय कर दिया था पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50% उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और ये सब की संख्या जो बढ़ी, तो हम लोगों ने 50% की जगह 75% किया और 10% केंद्र सरकार ने अपर कास्ट के लिए किया था, उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे तो उनका जो भी था 14% वो रहा और हम लोगों ने उसके लिए ये करवा दिया, ये लागू कर दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है और सदन में देखा गया कि किस तरह से विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आए और विपक्ष ने विशेष राज्य के दर्जे को भी सदन में उठाया है। उत्कर्ष, अब बिल्कुल नैना, देखिए आज मानसून सत्र का तीसरा दिन था और सबसे ज़्यादा हंगामेदार भी रहा। देखिए जिस तरीके से एक तरफ बाहर विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उन्होंने 2 मुद्दों को विशेष जो है कह सकते हैं कि ध्यान आकर्षण किया है, जिसमें सबसे पहला मुद्दा रहा जो बीते दिन संसद में बजट पेश किया गया और उस बजट में बिहार को जो जो चीज़ें मिली हैं उस पर भी सवाल खड़ा किया गया। दूसरी तरफ जो 9वीं अनुसूची में जातीय गणना के बाद जो आरक्षण हुआ था जिसका दायरा बढ़ाया गया था उसको लेकर सवाल खड़ा किया गया। हालांकि जब सदन में सभी विपक्ष के जो है वो वेल में आ गए, उसके बाद जब हंगामा बढ़ा तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठकर जवाब दिया और साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने उनके कार्यकाल में ही जो कह सकते जातीय गणना कराया, इसके अलावा 9वीं अनुसूची में डालने का जिक्र भी नीतीश कुमार ने किया। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा था ये साफ था कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहती। हालांकि सदन भी 2 बजे तक लिए स्थगित जरूर हो गया, लेकिन इस बार तनातनी सत्ता पक्ष और विपक्ष में खासकर नजर आई, क्योंकि विपक्ष का साफ कहना है कि सरकार जो आरक्षण दिया गया है लोगों को उसके हितैषी नहीं है, इस वजह से अब तक सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम चीजें नहीं गई। और दूसरी तरफ जो बजट में प्रावधान दिया गया, जो अनुदान दिया गया बिहार को, चाहे वो 3 एक्सप्रेसवे हो या फिर कॉरिडोर बनाने की बात की गई विष्णुपद मंदिर में, गया में, ये तमाम चीजों से कोई फायदा नहीं होने वाला। किसानों के हित में केंद्र सरकार ने क्या किया, इन तमाम मुद्दे पर बात हुई। हालांकि नीतीश कुमार ने भी सभी चीजों को सामने रखा और बताया कि किस तरीके से उन्होंने कार्य किया है। नीतीश कुमार ने यह भी इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से जो 10% आरक्षण जो है वो लोगों को जो सामान्य वर्ग को मिलता है उसमें चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सभी वर्ग के लोग को दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष जो है बिना कुछ जाने हल्ला कर रही है। वो अगर बैठकर सदन में ये तमाम चीजों को सुनेगी तो शायद फायदा जरूर होगा। हाँ उत्कर्ष, लेकिन जिस तरह से कल बजट में देखा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला है लेकिन विशेष पैकेज दिया गया है और इसके बाद अब लगता है कि काफी जो प्रावधान है और जो बिहार के लिए विशेष पैकेज दिया गया है इससे बिहार की डेवलपमेंट में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। तो क्या लगता है ये जो प्रावधान है, ये जो विशेष पैकेज है, ये ज्यादा अच्छा है या फिर जिस तरह से विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही थी और वो पूरी नहीं हो सकी है, विपक्ष इसको लेकर लगातार हंगामा कर रहा है? बिल्कुल, देखिए दो अलग बातें सामने आ जाती हैं नाना, जब विशेष राज्य के दर्जा की बात होती है और विशेष पैकेज की बात होती है। देखिए जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी, तो एक विशेष पैकेज जरूर बिहार को दिया गया था, एक अनुदान दिया गया था। लेकिन जहां तक विशेष राज्य का दर्जा होता है तो कई ऐसे राज्य हैं जिसको पहले मिल चुका है, लेकिन इसकी सिफारिश उस वक्त की गई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। वो ऐसा वक्त था जब राबड़ी देवी ने अपने आंचल फैलाकर जो है अटल बिहारी वाजपेयी से विशेष
जज के दर्जा की मांग की थी, लेकिन बाद में जब पी चिदम्बरम यूपी 2 की सरकार बनी, पी चिदम्बरम जो है वो वित्त मंत्री बने, उस समय भी इसकी बात उठी थी, लेकिन उस समय रघुराम राजन की कमेटी में ये बात साफ हो गई थी कि विशेष जज का दर्जा अब नहीं मिल सकता किसी भी राज्य को, तो इस बात को अब उठाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है। लेकिन एक विशेष पैकेज से जरूर बिहार आगे बढ़ सकता है। 2000 के बाद जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तो कई ऐसी चीजें हैं जो झारखंड को मिल गई, जिसके बाद और बिहार कहीं ना कहीं पीछे हो गया, तो बिहार को एक विशेष सहायता की जरूर जरूरत थी। तो ये दोनों को अलग तरीके से देखा जा सकता है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो हर चीज में विशेष अनुदान जो है वो बिहार को मिलता, कई मायनों में जो बिहार है वो आगे जा सकता था, क्योंकि सबसे पिछड़े राज्यों में अगर किसी की आज भी गिनती होती है तो वो बिहार है, लेकिन बिहार सबसे ज्यादा कर्मठ राज्य भी माना जाता है, और अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो कहीं ना कहीं इससे फायदा आने वाले समय में विधानसभा में भी होता। लेकिन अब विशेष पैकेज की बात सामने आ रही है, ये वही विशेष पैकेज है जो पहले भी बिहार को मिल चुका है और एक बार फिर से इसकी बात की गई है। इसके अलावा जो कल अनुदान दिया गया या फिर जो एक्सप्रेसवे की बात की गई और कार्य निर्माण की बात की गई, तो दोनों में फर्क जरूर नजर आता है। हाँ, ठीक है उत्कर्ष, लेकिन जिस तरह से अगर हम प्रावधान की बात कर ले या फिर विशेष राज्य की दर्जे की बात कर ले, और ऐसे में अब बजट पेश होने के बाद से जो लगातार विपक्ष है उनके प्रतिक्रिया भी सामने आ रहे हैं, और इसी कड़ी में पूर्व मंत्री हमारी राबड़ी देवी का भी बड़ा बयान सामने, उन्होंने कहा कि झुंझुना थमा दिया गया है एक बार फिर से बिहार को, लेकिन वही जो है वो मंत्री हमारे जो है वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी बड़ा बयान सामने है, उन्होंने कहा कि इन लोगों के जब राज्य था तो उस वक्त कुछ नहीं हुआ, और ऐसे में यह एक बड़ा प्रावधान मिला है जिससे बिहार को विकास की गति मिलेगी। अब बिल्कुल देखिए, एक बार एक इन बातों को भी नकारा नहीं जा सकता है कि जिस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, उस वक्त उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी, लेकिन वक्त बीतते कई बातें बदल गई। अब जब एनडीए की यूपीए की सरकार जो है वो खत्म हो गई, एनडीए का गठबंधन है और एनडीए की सरकार है, तो भी इस मांग को जरूर रखा गया, लेकिन जब इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो बिहार बीजेपी के नेताओं का साफ कहना है कि उनके कार्यकाल में ये नहीं हुआ, अब तो विशेष अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन हमने पहले भी बताया ना कि अनुदान और विशेष राज्य का दर्जा दो अलग चीजें होती हैं। अनुदान जो है वो कुछ मायने में कह सकते हैं राज्य को आगे जरूर बढ़ाता है, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा मिले तो हर चीज जो है उसको अलग से देखा जाता है, उस राज्य को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, उसमें कई सारे फायदे भी होते हैं, लेकिन इन दोनों बात में कह सकते हैं कि अंतर भी नजर आता है। हालांकि राबड़ी देवी ने कल जो विरोध किया है वो भी सही है, राबड़ी देवी ने साफ कहा कि जो झुंझुना है वो बिहार को पकड़ा दिया गया, अब यही झुंझुना 5 साल तक बिहार जो है वो देखते रहेगा। ठीक है, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए उत्कर्ष बहुत बहुत शुक्रिया आपका।